दोस्तों, फिर हम बात करेंगे सेलेस्टिया के टिया कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 6.5 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है, एक बहुत अच्छे लोवेस्ट एरिया पर ये कॉइन अपोस्टी दे रहा है। बात करेंगे कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं और आज सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक अब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी ये कॉइन 6.5 USD पर ट्रेड कर रहा है, 6.2 USD तक का लो इस कॉइन ने अभी बनाया और इससे पहले जहां पर 16 को एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला था, वहां पर इस कॉइन ने 6 USD तक का लो बनाया था। डेली का चार्ट ओपन करें तो जहां प्रीवियसली लिस्टिंग के बाद में बैक टू बैक इस कॉइन ने बहुत अच्छा मूव लिया, 1.9 USD पर इस कॉइन की दिसंबर अक्टूबर में लिस्टिंग हुई थी, अक्टूबर 2023 में। उसके बाद से इस कॉइन ने बहुत अच्छी रैली यहाँ पर शो की थी, बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और 1.9 यूएसडी वाले लेवल से इस कॉइन ने 21 यूएसडी वाला लेवल हिट किया था। ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा 10x का मूव 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिला और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारे व्यूअर्स जो हमें पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। और अभी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में कॉइन होल्ड है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, जिन्होंने स्टार्टिंग में इस कॉइन में एंट्री ली थी, उनके पोर्टफोलियो में 200-300% से ज़्यादा का प्रॉफिट भी होगा। तो अभी करेंटली हम सबसे पहले टेक्निकली बात करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इस कॉइन के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया या नहीं किया और हमारे वीडियोज़ आपके लिए किस टाइप से हेल्पफुल रहते हैं। अभी अगर टेक्निकली बात करें तो 6.1 यूएसडी वाला जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिसको इसने पिछले 6-7 दिनों से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर 6 यूएसडी तक का लो बनाया था और उसके बाद से 6 यूएसडी से ऊपर एक अच्छी स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है। 6.1 एक अच्छा सपोर्ट है। 7.3 यूएसडी वाला जो लेवल है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि प्रीवियसली इसके लिए जब डंप हुआ था तब 7.3 सपोर्ट था, अभी इस कॉइन के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। उस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये कॉइन वापस से 8 यूएसडी से ऊपर ट्राई करेगा, तो 7.3 रेजिस्टेंस लेवल है। वीकली के अंदर बात करें तो वीकली में अभी पिछले वीक की जो क्लोजिंग है वो हमें ऑलमोस्ट 8 यूएसडी से ऊपर देखने को मिली थी, जहां पर 8 यूएसडी वाला लेवल वीकली के अंदर इसको सपोर्ट है। इस वीक की क्लोजिंग आज संडे है, मंडे मॉर्निंग को वीकली क्लोजिंग होगी, ये कॉइन 8 यूएसडी से नीचे रहता है तो 8 यूएसडी रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और अभी 6.2 6.3 यूएसडी वाला जो लेवल है वो इस कॉइन के लिए वीकली में सपोर्ट रहेगा। तो देखते हैं किस लेवल पर वीकली क्लोजिंग होती है। आपको भी पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है, जैसे ये रेड कैंडल बन रही है वीकली के अंदर, तो ये जो जहाँ पर ये क्लोज होगी तो नीचे वाला जो लेवल है वो इसकी क्लोजिंग कैलकुलेट होगा। ग्रीन कैंडल में जो ऊपर वाला लेवल होता है वो कैलकुलेट होता है। यहाँ पर अभी एंट्री की बात करें तो 6.5 यूएसडी पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, 6.5 पर आपको एंट्री लेनी है, एक अच्छा लेवल है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एंट्री 70% पार्ट से 6.5 पर लेनी है, सेकंड लेवल रहेगा 6 यूएसडी का जहां पर बाकी 30% पार्ट की बाय लिमिट लगा देनी है। इस टाइप से 70-30 के रेशियो में 6.5 और 6 यूएसडी पर बाई करना है। यहाँ से क्विक मूवमेंट में ये कॉइन वापस से 8 यूएसडी और उससे ऊपर वाले लेवल्स को ट्राई करेगा, जहाँ पर फर्स्ट और क्विक टारगेट 8 यूएसडी वाला लेवल जहाँ आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, सेकंड टारगेट रहेगा 8.7 यूएसडी वाला जहाँ पर बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशियो में 8 और 8.7 पर सेल करना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट 4 से 6 वीक तक का वेट कर सकते हैं, वो 9.2 से लेके 9.5 यूएसडी तक का टारगेट रखेंगे, जहां पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। टाइप से जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उस बेसिस पर आपको टारगेट लगा देने हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, आने वाले टाइम में वापस अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करेगा और लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करेगा। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे
टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कोइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।